बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शाम के तकरीबन 5:15 बज रहे हैं। मेरे सीधा आपके शाह फैसल है जो एयरपोर्ट की तरफ रोड जा रहे हैं, और पीछे आप देख सकते हैं सैकड़ों बाइकों के अंदर मुफ्त पेट्रोल डाला जा रहा है। जेडीसी और शाहिद कुरैशी साहब एरिया टाउन के जो कंट्री हेड है, जैन भाई जो जुराको वाले, सिर्फ क्या कोशिश है, शाहिद कुरैशी साहब ने बोला कि जफर गिफ्ट देना है लोगों को पेट्रोल। हमने एक आवाज उठाई थी कि लोग अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे, कहाँ से देंगे? 25 रुपए की रोटी है, किसी के घर में 8 लोग हैं और 16 रोटियां अगर आ रही हैं तो कहाँ से लाएगा 400 रुपए की एक वक्त की रोटी? 1200 रुपए की रोटी लाएगा दिन की, तो 36,000 की तो सूखी रोटी हो गई भाई महीने की। दूध का डब्बा जो आता था 2000-1600 रुपए का, 5500 रुपए का हो गया बच्चों का। बिजली का बिल के इलेक्ट्रिक अपनी मर्जी का भेज रही है, 80 गज के घर का बिल 30,000-40,000-50,000, आप किसके पास रहोगे? कोई सुनवाई का रास्ता नहीं है। मालिक मकान टाइम पे किराया मांग रहा है, स्कूल की फीसें टाइम पे, वैन का बिल टाइम पर, और पैसा जो है 40,000 अगर तनख्वाह है तो उसमें से आपने अब पेट्रोल जो डलवाना है दिन में 600 रुपए का, 650 का 2 लीटर, यानी 18,000 का पेट्रोल महीने में, इंसान जिंदा कैसे रहेगा? इस पूरी बहस में अब तक महीने के राशन का तस्करा नहीं किया है। एक आम राशन जो 8,000 रुपए का आता था किसी एक घर का, 32,000 रुपए का नहीं आ रहा है। किसकी तनख्वाह 90,000 रुपए होती है भाई? यहाँ तो 40-45-50-60,000 रुपए तनख्वाह है, हर बंदा महीने का 30,000 रुपए का मकरूज हो रहा है। आए मैं दिखाऊं किस तरह ये एहतजाजी गिफ्ट मुहिम पहली बार दुनिया में कहीं हो रही है जहाँ रोटी नहीं बट रही, पेट्रोल बट रहा है लोगों को गिफ्ट की सूरत में। आए मैं एक दफा फिर शाहिद कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, बैरेट ऑन कंट्री हेड जो है, जितनी मशीनें सबके ऊपर पेट्रोल जेडीसी की तरफ से बट रहा है, देख लें। टोकन दिखाएं, क्या टोकन है ये देखिए मेरे पास, दिखाएं। ये टोकन है हर एक का, ये शाहिद कुरैशी साहब का नाम लिखा हुआ है जेडीसी का। आपने पर्ची डलती है दी? नहीं, पर्ची यहीं से मिलेगी। आप देखिए उनका डल गया, आप पेट्रोल डलवाएं, आप खुद देंगी, आप डलवाएं, आप लाइन में लगे, जब आपका नंबर आएगा आपको पर्ची मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह मैं आपको मशीनें सारी दिखा रहा हूँ। जेबा शनाज साहबा भी यहाँ खड़ी हुई है हमारे साथ इस मुहिम में, और इसमें देखिए फूड पांडा के राइडर, बाइकिया के राइडर सब मौजूद हैं। आप जितनी मशीनें देखेंगे सबके ऊपर इस वक्त पर्चियां बढ़ रही हैं, जितनी मशीनें ये देखें। हाँ भाई, आ गया, पेट्रोल डल गया, खुश हो, सही चल रही है? हाँ इमरान भाई, पर्चियां सही चल रही है, दिखाएं पर्चियां, दिखाएं। अच्छा, जो पेट्रोल डलवा रहे हैं वो पर्ची आपको मिल रही है, मुतमईन है आप? देखिए शाहिद कुरैशी साहब का बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ। भाई हटना, जरा हटना यहाँ से, देखिए लिखा हुआ है जनाब शाहिद कुरैशी साहब और जेडीसी की जानिब से मोटरसाइकिल सवार नौकरी पेशा अफराद को गिफ्ट पेट्रोल। इसी तरह पीछे वाली मशीन भी मैं आपको दिखाता हूँ, सही चल रहा है, सही है भाई, सही है ना, सही है भाई, सही है ना भाई, सही है। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। खैरियत है भाई, खैरियत है, खैरियत है भाई के वाले भाई थे, कैसे हैं? खैरियत है, खैरियत है। फसी सही चल रहा है, आप क्या दे रहे हो ना, यहाँ कौन दे रहा है टोकन? अच्छा ये वाले फसी, फसी जिसका डले उसको दो ना। ठीक है भाई, ये दो दिन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आए मैं आपको उस तरफ दिखाऊँ मशीन। देखें लोग दुआएं दे रहे हैं, शाहिद कुरैशी साहब अल्लाह आपका भला करे यार, कमाल कर दिया। अधिक सही चल रहा है, आपका शुक्रिया। किस चीज का काम करते हैं? माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे आपके काम में भाई, बरकत दे। खैरियत है, कैसे हैं? खैरियत है भाई, खैरियत है जी। भाई मंजर शाह फैसल के जो आप देख रहे हैं, तमाम लोगों को बिल्कुल मुफ्त पेट्रोल दिया जा रहा है। मैं सिर्फ इतनी से गुजारिश करूंगा, आपका शुक्रिया। हुकूमत को ये मैसेज दिखा रहे हैं कि ये कराची है जो पाकिस्तान का 68% रेवेन्यू देता है, क्या पोजीशन है? मैं लाहौर भी जाऊंगा, पिशावर भी, पिंडी भी, जहां जहां पर ये मुहिम शुरू हुई है। अभी शाहिद कुरैशी साहब जो है उन्होंने बोला है जफर खुल के करो, हम पूरी जितनी उनकी रियल इस्टेट, उनकी जितनी भी टीम है, बैरियर ऑन का जो कंट्री हेड है शाहिद कुरैशी साहब, उन्होंने कहा खुल के करो, और ये ओपन ऑपरेशन हो रहा है इस लेवल का। अगर आपने पाकिस्तान में इससे पहले देखा है कहीं ऑपरेशन, हमें बता दें। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि 3 दिन का पेट्रोल आपकी बाइक में डल रहा है, 3 दिन आपके बच्चे रोटी खा ले सुकून से। हुकूमत अगर हमारा मैसेज देख रही है, समझ जाए, खुदा के वास्ते लोग मुसीबत में आ चुके हैं, ये महंगाई नहीं बर्दाश्त कर सकते। इनको नहीं मालूम डॉलर बढ़ रहा है घट रहा है, इनको ये मालूम है कि दूध महंगा हुआ था कम नहीं हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ कम नहीं हुआ, बिजली वाले अपनी मर्जी का बिल भेज रहे हैं, जो चीज़ जितनी महंगी हुई। आज तो दाल भी खरीद के नहीं खा सकते, लोग जाएंगे किधर?